Subscribe my channel Ambi News Presenting and press the bell icon to never miss a video from our channel. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, टीवी पर ताबड़तोड़ हमले करके कांग्रेस को घायल कर देने वाली भाजपा के सुख्यात प्रवक्ता राष्ट्रीय संबित पात्रा ने आज एक वीडियो वायरल करके अपनी ही पार्टी भाजपा एवं पीएम नरेंद्र मोदी की जमकर किरिकिरी करवा दी है। हालात यह है कि संबित पात्रा यह वीडियो भाजपा के झूठे प्रचार प्रसार का राष्ट्रीय प्रमाण बन गया है। संबित पात्रा को पूरी लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी बनाया गया है। वो खुद को देश का सबसे महान और संवेदनशील सेवक बताते में जुटे हुए हैं। इसी क्रम में उड़ीसा के पुरी में रहने वाले निर्धन एवं अनुसूचित जाति के लोगों के यहाँ न केवल भोजन करके बल्कि अपने हाथों से भोजन करवा के भी रहे हैं। संबित पात्रा ने अपने ट्विट हैंडल पर ऐसा ही एक वीडियो पोस्ट किया है। साथ ही उन्होंने लिखा कि पुरी के एक छोटे से गांव में रहने वाली एक बूढ़ी विधवा माँ, उसकी 3 बेटियाँ जिसमें 2 दिव्यांग हैं, बेटा मजदूरी करता है, ऐसी माँ का घर बनाने में काम श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। यहाँ मेरा परिवार है, माँ ने खाना बनाकर खिलाया, मैंने अपने हाथों से उन्हें खाना खिलाया और मैं मानता हूं कि इसकी सेवा में ही ईश्वर की सबसे बड़ी पूजा है। दरअसल वीडियो में तो घर कतई दिखाई नहीं दे रहा जिसका जिक्र संबित पात्रा ने किया। पीछे एक वर्षों पुरानी दीवार नजर आ रही है। यह माना जा रहा है कि इस तरह दीवार वाला घर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बना होगा। इससे भी बड़ी बात यह है कि वृद्ध महिला चूल्हे पर खाना पका रही है। सोशल मीडिया पर लोग ट्रॉल कर रहे हैं कि सवाल पूछा जा रहा है कि महिला को उज्ज्वला योजना के तहत रसोई गैस क्यों नहीं दी गई। हालात यह है कि संबित पात्रा का वीडियो भाजपा के झूठे प्रचार प्रसार का प्रमाण बन गया है। दोस्तों, संबित पात्रा के वीडियो वायरल के बारे में आपकी क्या राय है, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। न्यूज़ अच्छी लगे तो न्यूज़ को लाइक करें, शेयर करें। राजनीति से जुड़ी हर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।